नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज, आपका स्वागत है। वसई मानिकपुर के लोगों को मिले 2 साल पहले खोए हुए मोबाइल, खुशी के मारे झूम उठे नागरिक। मानिकपुर पुलिस की तारीफ में नागरिकों ने पढ़े कसीदे। वसई मानिकपुर पुलिस स्टेशन की हद में पिछले 2 साल के दौरान लोगों के मोबाइल फोन खोए या चोरी होने की शिकायतें आ रही थी, जिससे आम नागरिक परेशान दिखाई दे रहे थे। उन आम नागरिकों की खुशी का आज उस समय ठिकाना नहीं रहा जब उनको पता चला कि उनका 2 वर्ष पहले का खोया हुआ मोबाइल पुलिस ने ढूंढ निकाला है। आपको बता दें, वसई मानिकपुर पुलिस की डिटेक्शन टीम ने कुल 41 खोए हुए मोबाइल को ढूंढते हुए उनमें से 18 फ़ोन के मालिकों को बुलाकर उनको अपने मोबाइल सुपुर्द किए। पुलिस द्वारा गुम हुए मोबाइल को ढूंढ निकालते हुए उन्हें सुपुर्द किए जाने के समय मोबाइल लेने आए मालिकों के चेहरे खिल उठे और सभी ने मानिकपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, ये सभी खोए हुए मोबाइल पुलिस ने ऐसे लोगों से बरामद किए जो कि कोई चोर या बदमाश नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जिनको खोए हुए मोबाइल रास्ते पर कहीं पड़े मिले थे, जिन्होंने उन मोबाइल को ना ही उनके मालिक को लौटाया था, ना ही उन मोबाइल को पुलिस थाने में जमा करवाया। मानिकपुर पुलिस ने उन सभी लोगों को समझाकर उनसे मोबाइल लेकर असली मालिक को लौटाए। लोगों को उनके मोबाइल लौटाने मानिकपुर पुलिस थाने में सभी फ़ोन मालिकों को बुलाने एक छोटा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वसई के सहायक पुलिस आयुक्त प्रदीप गिरकर भी शामिल हुए एवं अपने हाथों से सभी लोगों को उनके मोबाइल सौंपे। मीडिया को जानकारी देते समय मानिकपुर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भाऊ साहिब आहिर ने लोगों से फ़ोन की सुरक्षा करने का आह्वान किया। स्वतंत्र सागर न्यूज़ के लिए पालघर जिला संवाददाता यूसुफ अली की स्पेशल रिपोर्ट। सर, क्या कहेंगे आज जो मोबाइल वितरण का कार्यक्रम हुआ, ये क्या है? मानिकपुर पुलिस स्टेशन में जो जो लोग मोबाइल का कंप्लेंट करते हैं मिसिंग का, तो उसका हम डिटेल लेके और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके वो मोबाइल ढूंढते हैं किसके पास है, किधर है। तो वो अगर किसी को मिला होगा तो उसका हमको डिटेल से हम लोग उसको बुला लेते हैं और बोला कि आज जो हमने 18 मोबाइल वाटप किए हैं, 40 मोबाइल हमारे पास रिकवर हुए, हम लोग वो लोगों को वाटप करते हैं वो मोबाइल। सर, ये मोबाइल किसी चोरों के पास पकड़े गए हैं या नहीं? चोरों के पास नहीं है, मगर जो यूज़ करते हैं उनके पास मिले। सर, कुछ आह्वान करना चाहेंगे लोगों को? एक ही हमारा रिक्वेस्ट है कि एंड्रॉयड मोबाइल रहते वो महंगे रहते, मेहनत का कमाई के रहते, और ये जब यूज़ करते वो उसको अच्छी तरह संभालना चाहिए। भाग दौड़ में, रिक्शा में, गाड़ी में भूलना नहीं चाहिए। सर, ऐसे लोग जो चोर नहीं है लेकिन उनको कोई मोबाइल मिलता है और वो अपने पास रख लेते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन लोगों ने जमा करना चाहिए पुलिस के पास, नहीं तो पुलिस तो रिकॉर्ड से वो ढूंढ के निकलती है, फिर उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है पुलिस। मिसिंग मोबाइल आहेत, हरवलेले, पडलेले किंवा काय गहाळ वगैरे झालेले अशा प्रकारचे मोबाईल आहेत, ते कोणाला मिळाले असतील तर परत करत नाही किंवा पोलीस स्टेशनला वगैरे जमा करत नाही, असे जर आपल्याला गहाळ झालेले मोबाईल कुठं सापडले आपण पोलीस स्टेशनला जमा करणं हे आपलं कर्तव्य असतं हे आपलं हो। परंतु काही लोक काय करतात, पोलीस स्टेशनला जमा न करता किंवा ज्याचा मोबाईल आहे त्याला परत न करता स्वतःसाठीच वापरता वगैरे, असे मोबाईल आम्ही ट्रॅक करून त्यांना रिक्वेस्ट करून वगैरे ते मोबाईल परत मिळवले। नाही, मिसिंग मोबाईल आहेत हे सगळे, पडलेले रिक्षामध्ये, कुठेतरी राहून गेलेले, असं हे अशा प्रकारचं हो, अशा प्रकारचे सर्व मोबाईल। मोबाईल मेरा मिला, बहुत मुझे खुशी हुई क्योंकि मैं 2 साल पहला लॉकडाउन में ही एक शॉप में भूल गई थी और मेरे पास कॉल आया, हमें इतनी खुशी हुई कि खोया हुआ चीज़ मिल गया। और मेरा दूसरा मोबाइल अभी इस लॉकडाउन में गया है, मैं कोशिश करूँगी कि वो भी मेरा मिल जाए तो अच्छा है। बाकी मैं यहाँ पे जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, सबका मैं विनम्र ये करती हूँ और सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। Admit wholeheartedly, I really appreciate all your teamwork. Thank you very much. सचिन जयप्रकाश मोपेरकर, आणि ज्यांचा मोबाईल हरवला होता, माझी मिसेस कुसुम सचिन मोपेरकर,
तर एक वर्षापूर्वी खरंच ती रडली होती, मला एवढा वाईट वाटलं होतं, पण या पोलीस स्टेशननी जो अभिमान जो काम करून दाखवलेला आहे मला खूप अभिमान वाटतो की एक वर्षानंतर तिच्या तोंडावर मी हसी बघतो, ती एवढी खुश झाली ना, इथून तिचा फोन आला की तुमचा मोबाईल सापडला, एवढा आनंद आणि एवढा अभिमान मला वाटला या माणिकपूर पोलीस स्टेशनचा. खरंच त्यांनी साहेबांनी मला फोन केला, आवाड साहेबांनी, की तुमचा मोबाईल मिळाला, एवढी बायको माझी खुश झाली ना, ती अजूनपर्यंत खुश झाली नव्हती, तर मला खूप अभिमान वाटतो. खरंच या पोलीस स्टेशनचा खूप मला अभिमान वाटतो. मी चीफ मिनिस्टरला पण सांगू शकतो की मला या पोलीस स्टेशनचा खूप अभिमान वाटतो की त्यांनी एवढे मोबाईल शोधून काढले, ही खूप महत्वाची गोष्ट आणि खूप आनंदाची गोष्ट आहे. हे 40 मोबाईल आहे, याच्यामध्ये किती पोलिसांनी शोध केल्यासाठी किती प्रयत्न केला असेल, याच्याबद्दल काय प्रयत्न केला म्हणजे चांगल्या प्रकारे केलेले प्रयत्न तर चांगल्या प्रकारे केले म्हणून तर याने दिसलेलं आहे. कारण मोबाईल शोधून काढणं, त्यांचं ते सर्चिंग करणं हे खूप महत्व खूप महत्व म्हणजे खूप महत्वाचं काम आहे.